बाल से किसी को भी वश में करने का एक बहुत ही प्रचंड आपको मैं तरीका बताऊंगा, लेकिन इस उपाय को करने में मंत्र की आवश्यकता है। और अभी से ही समझ लीजिए, वो आपके बाल नहीं हैं और उसके भी बाल नहीं हैं, वो किसी और चीज़ के बाल हैं। ऐसा उपाय आपको कहीं किसी ने नहीं बताया होगा। ये हन्नूसी एक बहुत ही शक्तिशाली नट और नटनी द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र, जो आपको उच्चारण करना है बालों के ऊपर। हाथ में आपको चुटकी में बाल पकड़ लें और आप जिस इंसान का नाम लेकर इस मंत्र को उच्चारण कर देंगे, बस वो इंसान गुलामी करेगा आपकी, घुटनों पर गिर जाएगा आपके। इस उपाय को वो लोग ज़रूर करें जिनकी दुश्मनी बड़े बड़े लोगों से है। जिनके दुश्मन हजारों हैं वो इस उपाय को करें, हजार दुश्मन को वो अपने घुटनों पर ला सकते हैं। इस उपाय को वो करें जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं और पति पत्नी में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, कलेश होता है। इस उपाय को वो स्त्री करे या वो पुरुष करे, उसका घर बस जाएगा। और इस उपाय को वो प्रेमी जोड़ा करे जिसकी विवाह और शादी होने वाली है, लेकिन बीच में किसी की नज़र लग गई और विवाह और शादी टल गया, कैंसिल हो गया, अब नहीं होगा, कार्ड बट गए, मिठाइयाँ मुंह मीठा कर लिए, खा लिया, पी लिया, अब विवाह नहीं होगा, उन्होंने मना कर दिया। ऐसी जगह पर भी ये उपाय करें, सफलता आपको उसी समय मिलेगी, 100% मिलेगी। इस उपाय को वो माँ अपने बच्चे के लिए, अपने बेटी बेटा के लिए, अपनी बहू के लिए या अपने दामाद के लिए भी कर सकती है जो उसका कहना नहीं मानते। वो बाप कर सकता है अपने बच्चों के लिए, अपनी बहू के लिए या अपने और रिश्तेदारों के लिए, अपनी बेटी बेटा के लिए या अपनी पत्नी के लिए। वो हर कोई इस उपाय को कर सकता है, लेकिन इस उपाय को करने में शर्त भी बहुत सारी हैं। शर्त इतनी है कि इन शर्तों को अगर आप मान लेंगे तो आपका काम बन के रहेगा, वरना आप माथा पटकते रहो, सर फोड़ते रहो, लोगों को बदलते रहो, कभी ये गुरुजी, कभी वो गुरुजी, कभी ये बाबा, कभी वो ओझा, जहाँ पाओगे वहाँ आप जाओगे अपना काम करवाने के लिए, कोई करने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे प्यारे भक्तों, समय बीतता जाता है, समय को बीतना है, समय कभी वापस नहीं आता, ध्यान रखना। जो समय अभी है ये समय कल नहीं आएगा, ये समय बीत गया तो अब वापस नहीं आना है। मुड़ के भी आप देखना चाहोगे ना, आप कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो कि जो कल हमने बिता दिया है वो आप आज नहीं देख पाओगे। जो हो चुका वो वापस आने वाला नहीं है, लेकिन जो आएगा उसे आप आज ही देख सकते हो। जो आएंगी तारीखें उन्हें आप देख सकते हो, लेकिन जो बीत गई हैं तारीखें आप उनको सही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते। मेरे प्यारे भक्तों, आपको कल अगर सही करना है तो आप इस उपाय को कर लो। जिंदगी बहुत खुशहाल होती है लेकिन कर नहीं पाते। जिंदगी बहुत हसीन होती है लेकिन हसीन कर नहीं पाते। जिंदगी बहुत छोटी होती है लेकिन जी नहीं पाते। किसी को चाहना, प्यार करना, विवाह करना, विवाह में होकर खुशी खुशी रहना, ये हर किसी के नसीब की बात नहीं है, सौभाग्य की बात होती है दोस्तों। और ये सौभाग्य को पाना, इस नसीब को बनाना, अगर आपने अपने रिश्तेदारों से, पटीदारों से, पड़ोसियों से, समाज के लोगों से, चौपाल से हार गए हो, आपका काम कोई नहीं सुन रहा, समझ नहीं रहा है आपको, आपकी भावनाओं को आप ही जानते हो, तो आप इस उपाय को करना। ये क्या है और ये कौन सा उपाय है, और इसमें मंत्र का बोलना, मंत्र उच्चारण करना और कुछ शर्तों का लगना बहुत ज़रूरी है। शर्त कोई बड़ी नहीं है, छोटी छोटी शर्त हैं। हम आपको बताएंगे कि ये बाल किसके होने चाहिए, और हम आपको पहले ये बता दें कि यदि आप मदिरा का सेवन करते हैं, मीट मांस मछली का सेवन करते हैं, आप अंडा वगैरह खाते हैं, तो आप इस उपाय को 7 दिनों बाद करेंगे। आज बंद कर दिया, आज से 7 दिन के बाद ही आपको ये उपाय करना है।
और इस उपाय को करने से पहले अच्छी तरह से स्नान करना है। गंदे ही कपड़े को धुल लो, फटे नूचे भी होंगे, गंदे कपड़े होंगे पहन लो, लेकिन साफ कपड़े यानी कि कुछ शब्दों में पाक जैसा शब्द है कि पाक रहना, पाक रह करके इस उपाय को कर लीजिएगा। अब आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि जिस इंसान के लिए आप ये वशीभूत का वशीकरण का जो आप उपाय करने जा रहे हो, अमल करने जा रहे हो, वो इंसान को एक मर्तबे आप अगर अपने वश में कर लोगे तो जन्मों जन्म तक के वो आपका घुटने को चाटेगा। लिख के रख लीजिए ये, जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे अगर आपने कर लिया तो वो इंसान आपके पैर छूकर जाया करेगा। आप चाहो तो पैर छुआओ वरना आप मत छुआओ। ये वो उपाय है मेरे प्यारे भक्तों। अब आपको मैं बता दूं कि ये किस चीज के बाल होंगे। सुना होगा आपने हंस का जोड़ा होता है, हंस और हंसनी की एक चिड़िया होती है, उसके जो सर की चोटी जो होती है उसके जो बाल होते हैं, यदि स्त्री करे तो हंस हो और पुरुष करे तो हंसनी की चोटी के जो बाल होते हैं, बस उसको आप इतना ले लीजिए क्योंकि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर वो बाल गिर जाते हैं, वो सर रगड़ते हैं आपस में उनके बाल गिर जाते हैं। यदि किसी के घर में पला हो, कहीं पार्क में हो या कहीं किसी के घर में पला हुआ हो, आप उनसे कह के चुपके से ले लीजिए, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि ये मैं आपको दूंगा, नहीं, आपको ही प्रयास करना है, आप ही ढूंढ के लाएंगे। हम आपको असली और ओरिजिनल तरीके बता रहे हैं। हंस के जोड़े से पचासों नहीं हजारों नहीं हजारों तरीके के काम किए जा सकते हैं तंत्र मंत्र के। आप उसके बाल हाथों में लीजिए और मंत्र मैं आपको बताऊंगा। उस मंत्र को उल्टा और सीधा उच्चारण करना है, उल्टा और सीधा। अब उल्टा और सीधा कैसे होगा, उसकी एक चाल होगी और वो जो चाल होगी स्त्री पर आएगा तो उल्टा और पुरुष पर आएगा तो सीधा। चोटी को हाथ में पकड़िए बाल की और मंत्र फूंक दीजिए। अब आप जाइए जिस इंसान को भी आप अपने वश में करना चाहते हैं, बस आप उसका नाम लेकर बालों पर यानी चोटी पर आप फूंक दीजिए और बालों को फिर ऊंचे स्थान पर रख दीजिए। ऐसा आपको हर रोज दोपहर में 12 बजे करना है और ये कम से कम आपको 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 21 दिन करना है। लेकिन 21 दिन अगर आप पूरा कर लेंगे मेरे प्यारे भक्तों तो जन्म भर के लिए वो गुलामी करेगा, ये आपको मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। ये उपाय थोड़ा कड़क है लेकिन इस उपाय को करना बहुत आसान है। एक दिन दो दिन में आपको बहुत आसान लगने लगेगा। आपको अब मैं बताता हूँ कि ये मंत्र कौन सा होगा। बिना मंत्र के ये उपाय नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले बताया था। यदि आपको ये मंत्र चाहिए और इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो सामने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। यदि आपको इसी वीडियो के विषय में इसी मंत्र को चाहिए है तो आप इसी वीडियो का पूरा स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम उसी को ही ये उपाय बताएंगे जो सचमुच किसी से प्यार करता होगा और किसी को अपने वश में करना चाहता है। इस उपाय को यदि किसी की शादी लगी हुई है और वो शादी करना चाहता है, उनकी शादी टूट गई है, हम उन्हें भी इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी देंगे और उनको मंत्र भी बताएंगे, मंत्र सिद्ध कैसे होता है ये भी बताएंगे। और ये उपाय आप करेंगे आपको सफलता मिलेगी, या आप पहले से शादीशुदा हैं, आपके जीवन में कुछ खटास आ रही है, आपका घर बर्बाद हो सकता है, तो हम आपको ये उपाय ज़रूर बताएंगे। इस उपाय को पाने के लिए अब आपको जो एक आखिरी हमारी एक शर्त है उसे भी मानना होगा। सबसे पहले हमारे चैनल GHTV को सब्सक्राइब करना होगा, हमारे इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना होगा। या आप अपना नाम नहीं लिखना चाहते तो आप ये लिख दीजिए कि आपको ये उपाय पूरा जानना और सीखना है, हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा हमारे और भी वीडियो आ रहे हैं जिसमें मैंने पूरी जानकारी अलग अलग प्रकार से दी है, क्योंकि दोस्तों ये जो मैंने तरीका बताया है ये बहुत ही गंभीर है और इसे करना आसान भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। यदि किसी को भी असलियत में किसी को प्यार है और वो किसी को काबू करना चाहता है, अपने वशीभूत करना चाहता है, तो आप इस उपाय को गोपनीय तौर पर सीखेंगे क्योंकि ये गोपनीय तरीके हैं।
आपको और भी ज़्यादा आसान तरीके अगर चाहिए तो सबसे पहले हमारे चैनल GSTV को सब्सक्राइब करिए, ताकि और जो हम तरीके बता रहे हैं, जो आसान हैं और खुलेआम हमने बताए हैं, वो आप सीख लें और आप अपने प्यार को अपने वश में कर सकते हैं।